अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द टॉपिक ऑफ एवरीडे साइंसेस इज़ सेल। और उसमें अब हमने जो स्टार्ट करना है अपना टॉपिक, कुछ बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम कहाँ से करें और कैसे करें, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये मैंने फर्स्ट ईयर की बुक ली है बायोलॉजी की, जिसमें से चैप्टर नंबर 4 जो है वो सेल के बारे में है। तो आप लोग, अगर आपको ये है कि हमारे पास रिटन फॉर्म में कुछ नहीं है, तो ये जो टॉपिक है ये आप इस चैप्टर से तैयार कर सकते हैं। उससे पहले वाले जो थे वो क्योंकि डिफरेंट बुक्स से थे, तो वो जब इंशाल्लाह आप लोग कॉलेज आएंगे और कॉलेज खुलेगा तो फिर आपको जो मटेरियल है इन द रिटन फॉर्म या हार्ड कॉपी जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा जी, कल मैंने आपको जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर बताया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोबारा एक और डायग्राम है और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल भी इसमें दिखाया हुआ है आपको और एक प्लांट सेल भी दिखाया हुआ है, और बुक भी मैंने इसीलिए आपको बता दी है ताकि जो बच्चे इससे परेशान हो रहे थे कि अब हम क्या करें, हमारे पास बुक नहीं है, तो आप फर्स्ट ईयर की बुक ले लें और उसमें से चैप्टर नंबर 4 जो है वहाँ से उसको बेशक याद कर लें। अच्छा, फिर हमने कल जब डिस्कस इसको किया था तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब हम स्ट्रक्चर लेते हैं जनरलाइज्ड सेल का, तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट जो हैं वो हमें हर एक सेल के अंदर नज़र आते हैं, कि हर एक के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। दोनों सेल्स को अगर आप देखें तो हर एक के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देन हर एक के अंदर आपको जो है वो न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, और हर एक के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम था, यानी जो रिवायती निज़ाम की उसमें बात करते हैं, कि इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू द प्लांट्स एंड एनिमल्स। द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल, के जो प्लांट सेल होगा उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, जो एनिमल सेल होगा उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कम्प्लेक्स एंड हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, क्रोमेटिक मटीरियल इज बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस आप समझ रहे हैं कि मेन हेडक्वार्टर है, जहाँ से सारे जो फंक्शंस हैं सेल के वो कंट्रोल होते हैं, एंड आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। अब जिनके ऐसे सेल्स जिनके अंदर एक वेल डिवेलप न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, सही, सच्चा, यानी ये सही वाले सेल्स हैं कि जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन द अदर हैंड द प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स सच एज, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, जो पुराने हैं, सच एज बैक्टीरिया लैक अ डेफिनेट न्यूक्लियस एंड आर सेड टू बी द प्रोकैरियोटिक। अब जो ऐसे सेल्स हैं कि जो आप कह सकते हैं कि जो बहुत पुराने हैं या जिनके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इन द प्रोकैरियोट द न्यूक्लियर मटीरियल इज डायरेक्टली सबमर्ज इन द साइटोप्लाज्म एंड इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय द मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट है ना, वहाँ तो हमें एक मेम्ब्रेन नज़र आती है कि एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और उसके अंदर सारा मटीरियल है, लेकिन जहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होगा वहाँ पर जो DNA है वो फैला हुआ होता है। द यूकैरियोटिक सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज, यानी इसमें आपको बहुत वेरिएशन नज़र आएगी साइज़ के अंदर। दे कुड बी एज बिग एज एन ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो पूरा एक सेल की हमारे पास जो है वो आप समझ लें शेप है, सही, या एक सेल है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, कि मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आप उसको सिर्फ आँख से नहीं देख सकते, आपको उसके लिए कोई ना कोई माइक्रोस्कोप, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करना पड़ता है। देन उसके बाद देयर साइज इज मेजर्ड इन द माइक्रोमीटर। अब ये जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम साइज़ का जो देखेंगे सेल का साइज़, वो माइक्रोमीटर है, और 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो बराबर होता है 0.501 मीटर और 1 × 10⁻⁶ ऑफ अ मीटर, ठीक है। सो यानी बहुत स्मॉल साइज़ है ये आपके पास। सो द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इन डिटेल। अब जो हमने कंपोनेंट्स इसके देखने हैं उसमें आज जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब इसको अगर हम जनरलाइज वे में देखें तो ये जो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एनिमल सेल नज़र आ रहा है ना, ये जो इसके बाहर वाली सबसे बाहर वाली बाउंड्री है दैट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और एनिमल जो प्लांट सेल है उसके अंदर आप देखें ये सेल वॉल है, और उस सेल वॉल के नीचे एक लेयर आपको बाहर नज़र आ रही है, उसके नीचे वाली जो लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो है आपको सेल वॉल के नीचे नज़र आएगी, यानी ये मेम्ब्रेन जो है ये प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट है। अब हमने बात करनी है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर,
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक ही बात होती है. इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, या सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है. हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल इट इज़ कवर्ड बाय अ सेल वॉल, लेकिन प्लांट्स के अंदर एक सेल वॉल उसके बाहर प्रेजेंट होती है. सेल मेम्ब्रेन की अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो सेल मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. अब लिपिड्स और प्रोटीन, लिपिड्स आप समझ लें फैट्स की तरह होती हैं, ठीक है, एंड प्रोटीन्स 60-80% जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, वाइल 20-40% जो होते हैं वो लिपिड्स होते हैं. एंड एडिशन देयर इज़ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं. अब हमने कह तो दिया कि ये लिपिड्स और प्रोटीन की बनी है, लेकिन ये लिपिड्स और प्रोटीन किस तरह से अरेंज हुए हैं उसके बारे में दो कॉन्सेप्ट्स हैं जर्नलाइज जो हम देखते हैं. मैनी बायोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट टू द एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. इट वॉज प्रपोज अर्लियर, पहला जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि द सेल मेम्ब्रेन इज कम्पोज ऑफ लिपिड बाय लेयर सैंडविच बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन. दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द यूनिट मेम्ब्रेन एंड इज प्रेजेंट इन ऑल द सेलुलर ऑर्गेनल्स. द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज रिवील्ड द लिपिड बाय लेयर आर नॉट सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर. अब जैसे आप सैंडविच बनाते हैं, ऊपर और नीचे आप ब्रेड का पीस रखते हैं और दरमियान में जो भी फिलिंग आप चाहते हैं डाल लेते हैं. तो इसके बारे में जो पहला मॉडल आया था ना इसके स्ट्रक्चर के बारे में, वो था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहता है कि जिस तरह हम सैंडविच बनाते हैं और ऊपर और नीचे एक ब्रेड का पीस होता है, इसी तरह वो कह रहे हैं कि जी ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें भी एक ऊपर जो लेयर होती है वो भी प्रोटीन की होती है, जो नीचे लेयर होती है वो भी प्रोटीन की होती है, और इसके दरमियान में लिपिड्स जो हैं या फैट्स जो हैं वो अरेंज हुए हुए होते हैं इस तरह से. यहाँ पे आप दो वर्ड्स देखेंगे, एक है हाइड्रोफिलिक जोन. हाइड्रो वाटर को कहते हैं, फिलिक मीन लविंग, यानी जो पानी की तरफ अपनी शो करता है अट्रैक्शन. और हाइड्रोफोबिक जोन, हाइड्रो वाटर, फोबिक मीन अवे, पीछे हट के. तो हाइड्रोफोबिक जो है वो पार्ट है जो वाटर हीटिंग होता है, जो पानी से अवे मूव करता है. पहला कॉन्सेप्ट जो आया उसको हम यूनिट मेम्ब्रेन का नाम दे रहे हैं कि ऊपर और नीचे प्रोटीन की लेयर है और उसके दरमियान में लिपिड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है. उसके बाद ये मॉडल जो था प्रोटीन लेयर वाला, ये इसको इतना ज़्यादा लंबा अरसा तक नहीं एक्सेप्ट किया गया. उसके बाद एक नया मॉडल आ गया. द प्रोटीन लेयर्स आर नॉट कंटिन्यूस एंड आर नॉट कन्फाइंड टू द सर्फेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बट आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाय लेयर इन अ मोज़ेक मैनर. उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, प्रोटीन जो है वो एक कंटिन्यूस लेयर की फॉर्म में नहीं है बल्कि उसके बजाय एक मोज़ेक में, जैसे आप देखते हैं ना ज्वेलरी है उसके अंदर कहीं कहीं नगीने जड़े हुए होते हैं, तो सेम एज मोज़ेक का मतलब होता है नगीने की तरह जड़ा हुआ कहीं कहीं. सो इट लेड टू द प्रपोजल ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. अब यूनिट मेम्ब्रेन के बाद जो नया मॉडल आया दैट इज़ कॉल्ड एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. और ये मॉडल जो है एट प्रेजेंट इज़ द इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड वन. अब आजकल जो मॉडल एक्सेप्ट किया जा रहा है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है. सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स चार्ज्ड पोर्स थ्रू विच मूवमेंट ऑफ मिनरल्स टेक प्लेस बोथ बाय द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब उसके बाद हमने कह दिया कि हमारे पास जो है मॉडल नया वो ये कह रहा है कि फ्लूइड मोज़ेक है. वो फ्लूइड मोज़ेक का मतलब हो गया कि यहाँ पर हमने कह दिया कि हमारे पास लिपिड जो हैं ये प्रेजेंट हैं, इसके अंदर ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं जो कहीं कहीं लगे हुए हैं, ये जो आपको पर्पल कलर के नज़र आ रहे हैं. फिर इसमें आपको ये ग्लाइकोप्रोटीन्स नज़र आ रही हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं. देन इसके अंदर हमें कह दिया कि कहीं कहीं छोटे छोटे सुराख होंगे जिनकी वजह से चीज़ें इधर से इधर जा सकेंगी, यानी सेल के बाहर से सेल के अंदर आ सकेंगी या सेल के अंदर से सेल के बाहर जा सकेंगी. अच्छा, अब काम क्या करना होता है सेल मेम्ब्रेन ने. सेल मेम्ब्रेन जो है वो आप समझ लें कि एक तरह का गेट है जिससे चीज़ों ने गुजर के अंदर आना है. ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल इज़ वन ऑफ द वाइटल रोल इट प्लेज फॉर द सेल. इट ऑफर्स अ बैरियर बिटवीन द सेल कॉन्टेंट्स एंड देयर एनवायरनमेंट अलाउइंग ओनली द सेलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट. थस इट इज़ नोन एज द डिफरेंशियली परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसने हर चीज़ को बाहर से अंदर नहीं आने देना, ना हर चीज़ को अंदर से बाहर जाने देना है. कुछ चीज़ें होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे, वो सेलेक्टेड होती हैं कि वो जा सकती हैं. सो इसलिए इसकी इस करेक्टर के बेस के ऊपर जो है वो इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल या पार्शली परमिएबल जो है वो कहते हैं, और डिफरेंशियली परमिएबल की वर्ड भी यूज़ करते हैं. द सब्सटेंसेस विच आर लिपिड सॉल्युबल क्रॉस इट मोर इजीली अदर than other, therefore it regulates the flow of material and ions to maintain a gradient.
कि इसमें से जो चीज़ें गुजरती हैं अगर तो वो लिपिड सॉल्युबल होंगी तो जाहिर सी बात है ये लिपिड जो हैं उनकी वजह से इजीली इसमें से पास हो सकती हैं, जा सकती हैं और आ सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा और क्या चीज़ आ सकती है? मैनी स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर, ग्लूकोज बींग न्यूट्रल कैन ईजीली क्रॉस द वाइल आइंस बींग चार्ज पार्टिकल्स हैव सम डिफिकल्टी इन क्रॉसिंग इट। ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो तो पॉजिटिव या नेगेटिव वो तो आसानी से आ जाएगी, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके लिए इसको क्रॉस करना मुश्किल होता है। अच्छा, उसके बाद मैनी विच आर नॉट नीडेड कॉन्स्टेंटली एंटर द सेल बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट, अदर आर टेकन अप अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, दे मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन। दिस अप हिल मूवमेंट ऑफ मटीरियल रिक्वायर्स एनर्जी एंड इज टर्म्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द एनर्जी यूज फॉर दिस मूवमेंट इज प्रोवाइडेड बाई ATP। अब बहुत सारे बच्चों के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो उसके अंदर नहीं होगी। ATP जो है ना वो उसको हम कहते हैं कि ये एनर्जी करेंसी होती है सेल के अंदर, कि जैसे हमारे पास करेंसी होती है ना, हम उसको खर्च करते हैं, हम चीज़ें लेते हैं, इसी तरह सेल ने अपने जो काम करने होते हैं उसको जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी जिस फॉर्म में होती है उसको ATP कहते हैं। उस ATP को वो यूज़ करते हैं और अपने डिफरेंट प्रोसेस जो होते हैं सेल के अंदर वो चला रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, दो आपने इसमें मूवमेंट्स पढ़ी हैं, एक है पैसिव मूवमेंट्स और एक है एक्टिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट वो होती है जो खुद ब खुद हो जाती है, किसी चीज़ ने जहाँ वो ज़्यादा है उससे उसने मूव करना है कम की तरफ, अब उसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही, इसको हम पैसिव मूवमेंट कहते हैं। एक्टिव मूवमेंट कब होती है? जब एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा हो, कोई चीज़ जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, यानी उसने कंसंट्रेशन हाई से लो की तरफ जाना है, वो जो है वो तो आसान है, वो हो जाएगा बगैर एनर्जी एक्सपेंडिचर के। लेकिन अगर उसने ऐसे जाना है जो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, जहाँ पर और जगह नहीं है, उस जगह जाके घुसना है किसी चीज़ ने, उस जगह एंट्री करनी है, तो दैट इज़ द एक्टिव, उसके अंदर ATP लगता है, उसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा जी, उसके बाद दो और टर्मिनोलॉजी आपने देखनी है कि इन मैनी एनिमल सेल्स द सेल मेम्ब्रेन हेल्प टू टेक इन मटीरियल बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ द वैक्यूल, दिस टाइप ऑफ इनटेक इज टर्म्ड एज द एंडोसाइटोसिस। अब ये मैं आपको एक अगर सिंपल सी डायग्राम बना के समझाऊँ इसमें कि एंडोसाइटोसिस क्या है, तो इसमें आप देखें कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा कि ये कोई चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल ने मेम्ब्रेन ये चीज़ को अंदर की तरफ करना है, तो वो क्या करेगा कि वो इसको अपने साथ पहले अटैच करेगा और उसके बाद वो चीज़ जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर जाके एक वैक्यूल बना देगी। ये प्रोसेस जिसमें मेम्ब्रेन जो है वो बाहर की तरफ हुई और उसने उस चीज़ को एनसर्कल करके अंदर कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड एज द एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडो का मतलब होता है अंदर, साइटोसिस विद इन द सेल। इसी चीज़ को आप रिवर्स ऑर्डर में कर लें कि कोई चीज़ सेल के अंदर है और उसने बाहर निकलना है, अब क्या होगा, अब वो पहले अपने आप को आके अटैच करेगी इसके साथ ये, और फिर ये ऐसे, और वो चीज़ बाहर रिलीज हो जाएगी। अब ये बिल्कुल इसका रिवर्स है, इसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द एक्सोसाइटोसिस। इसको हम एक्सोसाइटोसिस की टर्म यूज़ करेंगे इसके लिए, और ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड एज द, इसमें एंडोसाइटोसिस नज़र आ गया, इसमें आपको एक्सोसाइटोसिस नज़र आ गया। अगर तो ये चीज़ जो है वो लिक्विड है, हार्ड है, लिक्विड मतलब अगर पानी की फॉर्म में होगी तो हम इसके लिए टर्म यूज़ करेंगे पिनोसाइटोसिस, और अगर ये हार्ड है तो देन जो टर्म होगी इसके लिए होगी फैगोसाइटोसिस। अब आपको समझ आ गई होगी कि दिस टाइप ऑफ इनटेक इज टर्म्ड एज एंडोसाइटोसिस विच कैन बी ईदर फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है तो इनगल्फ द सॉलिड फूड पार्टिकल्स, और पिनोसाइटोसिस टू टेक इन द लिक्विड मटीरियल। सो इन द न्यूरॉन्स या जो नर्व सेल्स होते हैं हमारे, उसमें सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ट्रांसमिट करती है नर्व इम्पल्स को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर टू कीप कोऑर्डिनेशन, कि जो वहाँ पर होंगे हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व सेल्स, वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि उसने जो नर्व इम्पल्स होती है या जो मैसेज होता है नर्वस सिस्टम का वो एक से दूसरे को ट्रांसमिट करना होता है।